हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर जो कि क्लास सिक्स का था, एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखेंगे। ठीक है, तो देखो 19 क्या कह रहा है। फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। मीन्स वी हैव टू फाइंड। देखो जैसे दिया है 19 का फर्स्ट ओके क्वेश्चन है 3:4, एक ये रेशियो है और दूसरा रेशियो है 9:16। कहा गया इस रेशियो और इस रेशियो में बताओ कौन सा रेशियो ग्रेटर है। ठीक है, कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो देखो इस रेशियो को हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, और इसे ऐसे ठीक है लिख दिया। अब देखो फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया, तो याद करो फ्रैक्शन चैप्टर में दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर कैसे करते थे, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। दो तीन तरीका है ना। तो चलो जैसे पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स इसका डेनोमिनेटर यहाँ आ कर मल्टीप्लाई होगा और इसका डेनोमिनेटर यहाँ, तो 3:16। ठीक है, 3 यहाँ था और ये यहाँ गया और यहाँ 9 है और यहाँ पे 4 आया, तो इट विल बी 36 एंड इट विल बी 48, isn't it? तो टेल मी विच वन इज ग्रेटर, दिस 48 एंड 36, ये ग्रेटर। तो कौन सा रेशियो हो जाएगा ग्रेटर, यानी लिख सकते हैं 3:4, इधर वाला किसका रेशियो 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16। एक इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा डेनोमिनेटर सेम कर दो, और डेनोमिनेटर सेम करने वाला तो देखो जैसे इसी को दूसरे तरीके से 3/4 है फ्रैक्शन में फॉर्म में, तो लिख दिया 9/16। तो देखो इसके डेनोमिनेटर से यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके डेनोमिनेटर से यहाँ दोनों के डेनोमिनेटर को एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। सुनो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बना कि इसके डेनोमिनेटर को यहाँ भेज दिया, इसके डेनोमिनेटर को यहाँ भेज दिया, फिर मल्टीप्लाई करके चेक किया जिधर बड़ा वो रेशियो ग्रेटर। दूसरा लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, क्या करना पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने मीन्स क्या कि डेनोमिनेटर हमें सेम लाना है, क्या लाना है डेनोमिनेटर सेम लाना है। तो देखो जैसे था 3/4 इस रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज किया और 9/16, तो इसके डेनोमिनेटर से यहाँ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड इसके डेनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई। नाउ 3:16 इट विल बी 48 एंड 16:4 इट विल बी 64। ओके, दिस साइड 9:4 इट विल बी 36 एंड 16:4 इट विल बी 64। नाउ टेल मी डेनोमिनेटर्स आर सेम, तो फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। ऐसा जो फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन का अगर डेनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का ग्रेटर न्यूमरेटर है वही फ्रैक्शन क्या होता है ग्रेटर। तो कौन ग्रेटर है ये, है ना, तो ये किस साइड का है, तो 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16। आप दो रेशियो रहे तो आप इस तरीके से दोनों में से कोई से भी किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, सो इजी। नाउ लुक नेक्स्ट वन, लिखा है फिल इन द प्लेस होल्डर। ठीक है, इसी मतलब इस तरीके से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बना सकते हो। अब ये वाला देखो, फिल इन द प्लेस होल्डर मीन्स रिटर्न कि वी हैव टू फिल 20 का 1। ओके, इट इज रिटर्न 24/40। नेक्स्ट इज गिवन ब्लैंक, ओके अगेन 12/ अगेन ब्लैंक। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फिल इन दिस। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, भूल जाओ इसे, क्या करना है इसे भूल जाना है। तो हमारा क्या है 24/40 और ये क्या रहा नहीं पता बाय एक्स। अब ये बताओ, याद करो जैसे कभी भी हम लोग इक्वल फ्रैक्शंस रहता था तो हम क्या करते थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, या न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड। तो टेल मी 40 को क्या किया गया होगा कि यहाँ 5 आया, डिवाइड तो किया नहीं गया होगा, सॉरी मल्टीप्लाई तो किया नहीं गया होगा, क्या किया गया होगा डिवाइड। तो 40 को कितने से डिवाइड किया गया होगा जो 8 आया, 5 आया, अफकोर्स 8, तो 8 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे और 8 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो जिससे डिवाइड करें तो दोनों को डिवाइड करना है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे 40 को 8 से डिवाइड किया इट्स 5 एंड 24 को 8 से डिवाइड किया इट विल बी 3। तो क्या आ गया फ्रैक्शन, हियर इट विल बी 3।
ओके नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो चलो अगर आपको इन दोनों इससे और इस वाले ब्लैंक को लेकर बनाना है तो भी बना सकते हो, या आपकी मर्जी इन दोनों ब्लैंक को लेकर बनाना है तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सभी आपस में इक्वल है। तो देखो अब इन दोनों ब्लैंक को लेकर बना लेते, 3/4 5 क्योंकि हमें ये तो मिल चुका है, इज इक्वल टू 12/ डोंट नो। टेल मी वन थिंग, अब 3 के साथ क्या किया होगा कि 12 आया, डिवाइड तो किया नहीं गया होगा क्योंकि 3 से ग्रेटर है 12, मल्टीप्लाई किया गया होगा कितने से, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई एंड 4 से यहाँ भी, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20, तो व्हाट विल बी हियर, इट विल बी 20, है ना। इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 36 को 4 कैसे आ गया, तो डिवाइड किया गया होगा कितने से, 9 से डिवाइड किया गया होगा, है ना। 9 से जब न्यूमरेटर को 9 से हम डिवाइड करें तो डेनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी 9 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 7, डन। फिर देखो यहाँ पे 7 जो आएगा, फिर यहाँ देखो तो 7 में मल्टीप्लाई करके 21 आया हो या डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके कितना से, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी 3 से, तो जिससे डेनोमिनेटर उसी से न्यूमरेटर, या जिससे न्यूमरेटर उसी से डेनोमिनेटर, तो 4 × 3 = 12। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। और ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 10A कंप्लीट। ओके तो विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोपोर्शन। बाय एंड थैंक यू।